चलो दी। माफ कर दो। I'm sorry, ताई। इसे क्यों बोल रहा? क्या हुआ बेटा? जो नहीं हुआ उसके लिए सॉरी ताई। ताई मैं कैसे नहीं जान पाया आप और डीवी एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। ताई मैं आपकी आपकी फीलिंग समझ नहीं पाया जबकि आप मेरी मन की बात आसानी से जान लेती हो ताई। ताई I'm really sorry, ताई। नहीं ताई आज मैं समझा टीवी की फीलिंग्स कितनी गहरी है। ताई वो रो रहा था। लड़के इतना आसानी से नहीं रोते हैं ताई। स्पेशली डीवी जैसे लड़के जो इतने कॉन्फिडेंट हो। ताई वो आपसे सच्चा प्यार करता है और आपकी आंखें भी भीगी हुई थी। हम ठीक है सच में हम ठीक है। Yeah, okay. तू चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। हा? नहीं ताई अब चिंता नहीं कुछ और करना है। चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे मुझे? चलो चाय तो। आदू क्या चलो आदू 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 प्लीज मुझे नहीं ताई आपको समझने वाला इस घर में कोई नहीं नानी आजी भी नहीं तो ताई आप और डीवी यहां से दूर भाग जाओ। हाँ ताई डीवी आपको हमेशा खुश रखे। हाँ तो हाँ ताई आपको खुश रहना है। नहीं आदू तुम्हारी ताई नहीं भागेगी और ना ही मैं उन्हें भगा कर लेकर जाऊंगा। हम दोनों डरपोक नहीं है हम यही सबकी आंखों का सामना करेंगे सबको कन्विंस करेंगे और फिर पूरे सम्मान के साथ मैं तुम्हारी ताई को यहां से लेकर जाऊंगा। यार ये सब नहीं होने वाला। होगा तो जरूर होगा हम दोनों पर भरोसा करो। आजी नानी पर भरोसा करो वो इस वक्त थोड़े से नाराज हैं रह तो अपने ही ना और कितना नाराज रहेंगे। टीवी तुम्हें भगा कर तो मैं नहीं ले जाऊं। ताई डिसर्व्स बेटर। इतने दिनों से इन्होंने एक परफेक्ट रिश्ते का वेट किया है और आज जब वो मिल गया है तो सब कुछ धूमधाम से होगा। ये घर सजेगा ये सजेंगे और नानी आजी खुशी से झूम उठेंगे और मैं तो पूरे गाजे बाजे के साथ यहाँ आऊंगा और तुम सबको खूब रुलाकर तुम्हारी ताई को यहां से ले जाऊंगा। चाची जी कोई ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना है जो मैं ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे भी उन्हें भगा कर ले जाऊं। अच्छा Thank you.
वरी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स डीन। प्लीज सुनी, मैं उनके बेटों के रोमांस को सपोर्ट नहीं करूंगी। और क्यों करूं मैं उनको सपोर्ट? क्योंकि कोई भी इंसान गिरता तभी है जब उसका सपोर्ट हट जाए। इससे पहले उसका सपोर्ट पर टिकना जरूरी होता है। और जो अकेले अपने पैरों पर खड़ा हो उसका गिरना ज्यादा जरूरी, समझी? थोड़ा थोड़ा। अरे देवा, कान पक गए मेरे कान। ये साची ने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है, कहीं आना जाना ही मुश्किल कर दिया हमारा। अरे मौसी, अच्छा है कि आप कहीं आती जाती नहीं, वरना आपका जीना ही मुश्किल हो जाता। वैसे भी जीना मुश्किल हो रहा है उल्का, भले ही हम बाहर ना जाते हो लेकिन बाहर से खबर अंदर तो आ ही जाती है ना। हाँ, अंदर तक सब जगह पहुंच चुकी है साची की बातें। अरे कितने लोगों को मैंने फोन किया साची के रिश्ते के लिए, लेकिन सब लोग साची के रासलीला की किस्से सुन चुके हैं। अरे कहीं रिश्ता ही नहीं जम रहा है। धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। धीरे धीरे का टाइम नहीं है हमारे पास। धीरे धीरे अपनी लड़की बुढ़ी होती जाएगी और हाथ से भी निकलती जाएगी। हाँ, इतने मुश्किल से एक जगह से हाँ आई है। कहाँ से? एक लड़का है, बस 51 साल का है। दो बच्चे भी है उसके, लेकिन वो नाना नानी के पास रहते। आप कहे तो मैं बात चलाती हूँ। उल्का, ऐसे कैसे बात चला देगी? अरे सांची से भी तो पहले पूछना पड़ेगा ना। कोई जरूरी नहीं है। अरे लेकिन सुमन, इस घर की इज्जत बहुत उछल चुकी है। अब जो भी तय करना है ना, मैं करूंगी। इस घर की इज्जत का जिम्मा, प्रभु खानदान की इज्जत का जिम्मा मुझ पर है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। मैं आप दोनों से माफी मांगने आई हूँ। गलती हुई है मुझसे, बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। मैंने आप दोनों का दिल दुखाया है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब जो हुआ इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं गलत थी, माफ कर दीजिए ना प्लीज। जिम्मेदारी नहीं भी लेगी ना तो भी गलती तेरी ही मानी जाएगी। सिर्फ जिम्मेदारी लेना काफी नहीं है, उसका प्रायश्चित भी करना पड़ता है। आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ आज। सच, कुछ भी करूंगी मैं। एक बार मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका दीजिए ना। शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं आपको, नहीं दूंगी। सॉरी आजी, आई एम सॉरी ना आजी। आजी प्लीज, तो फिर शादी कर ले और भरोसा दिला दे कि वाकई में तो सुधर गई है। आजी। हाँ, उल्का ठीक कह रही है। ठीक है, ठीक है। तैयार हूँ आज। अगर शादी करने से प्रायश्चित होता है तो मैं तैयार हूँ। काकू, अब बात आगे बढ़ाए।
अब आप मुझे माफ करेंगे ना? लो भाई, हाँ हो गई। मैं अब भी जाके बात नक्की करती हूँ। अरे चुप कर, मैं देरी कैसी? इतना भी कोई शुभ काम नहीं है उल्का, जो तू दौड़ी दौड़ी चली जाए। शादी ब्याह के मामले इस तरह से जल्दबाजी में नहीं निपटाए जाते हैं। आराम आराम से देखभाल करके रिश्ता तय होगा क्या? अरे तुम लोग तो रिश्ता ढूंढते ही रह गए और लड़की ने खुद अपना रिश्ता बना लिया। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सही वक्त पर दोनों को देख लिया। उल्का, लड़की वालों को बुलाओ, हो सके तो कल ही। पाले! संभल के, कितना गिरेंगे आप? तभी तो होश में रहा करिए। होश तो मैं तुम्हारे उड़ाने वाला। एक मजेदार खबर लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, मजेदार। इसे कहते हैं ऊंट का पहाड़ के नीचे आना। क्या बकवास है ये सब? आप होश में नहीं, आप लेट जाइए। तुम्हें तो बकवास ही लगेगा ना, साची भक्त जो ठहरी तो जाओ बाहर जाकर सुनो कि लोग कैसे उसके नाम पर थू-थू कर रहे हैं। अपने से कम उम्र के लड़के देवी से प्यार कर बैठी है साची। प्यार? देवी? देवी से प्यार? क्यों? उस वकील का नाम सुनकर तुम्हारी बत्ती से क्यों बाहर निकल आई? हाँ, अरे छोटा है वो साची से छोटा। आओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान का है। अगर साची उससे प्यार कर बैठी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, कोई तो मिला साची को जो अब उसका ख्याल रखेगा। बहुत ख्याल है तुझे उसका? अरे मूर्ख, आज जी भी उसके खिलाफ है। चलो, मेरा काम तो आसान हो गया। एक तीर में दो निशाने, यहाँ पर साची का पत्ता भी गुल और वहां पर उसके वकील का पत्ता भी गुल। और मजेदार बात तो ये है दीपाली, तीर भी उसने खुद ही चला दिया है। वो तो है ही काबिल लड़की। भाई बहनों में नहीं, नहीं, सारे भाई बहनों में सबसे काबिल। अच्छा, बहुत ज्यादा बोल रही है तू दीपाली। आज मेरे खानदान की नाक भरे बाजार में कट रही है, उसकी फिक्र नहीं है तुझे? अच्छा, परिवार का नाम आज से नहीं उछल रहा है, परिवार का नाम तब से ही उछलता आ रहा है जब आपने अपनी ही बहन के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया। दीपाली! बस बस, हाथ वो लोग नहीं उठाते जो खुद किसी के सहारे चल रहे होते हैं। बहन जी, माना कि साची ने गलती की है, पर उसकी इतनी बड़ी सजा? सजा? कैसी सजा? सुमन, साची की शादी आज नहीं तो कल करनी थी ना। हाँ, पर ऐसे ही किसी के भी साथ, एक अधेड़ इंसान के साथ में? छोटी उम्र के लड़के से तो बड़ी उम्र वाला फिर भी बेहतर है। समाज में ऐसे रिश्ते को इज्जत मिलती है। अब इतनी भी अनसुनी नहीं है ये बात बहन जी, बड़ी उम्र की लड़की छोटा लड़का चलता रहता है अभी तो, और फिल्मी दुनिया में तो ये बहुत आम बात हो गई है। उस दुनिया में होता होगा, लेकिन प्रभु खानदान में ऐसा तमाशा कभी नहीं हुआ है। फिल्मी दुनिया और असल दुनिया में फर्क होता है ना, ये सब आज के समाज में बिल्कुल नहीं चलेगा। बहन जी, बहुत गलत कर रहे हो, एक बार और सोच लो थोड़ा सा। सोचने और समझने का वक्त गया, ये मेरा फैसला है और ये नहीं बदलेगा। माना कि आप साची की दादी हो, पर मैं भी तो उसकी नानी हूं ना, मेरा भी तो कुछ हक बनता है उसके ऊपर। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। माफ कीजिए बहन जी, आपका कोई हक नहीं है।
साची के कारनामों से नाक कट गई है ना, वो हमारे प्रभु खानदान की, आपका कुछ नहीं गया है। लोग भला बुरा कहेंगे तो मुझे कहेंगे, खानदान की जिम्मेदारी मुझ पर है। आप तो इस घर की मेहमान है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेहमान? अब मैं मेहमान हो गई? मेहमान तो आप 17 सालों से है, लेकिन हमने कभी याद नहीं दिलाया। इसका मतलब ये नहीं कि इस घर के मामले में आप अपना हक जताएं। उस दिन जब प्रदीप ने मुझे मेहमान कहा था तो इतना बुरा नहीं लगा था मुझे, क्योंकि मैं तो इस घर को, इस घर के लोगों को, सबको अपना ही मानती रही ना हमेशा। लेकिन अच्छा क्या आपने मुझे मेरी औकात बता दी। बहुत अच्छा किया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बहन जी। मुझे कल की तैयारी करनी है, सो प्लीज। मैं जा रही हूँ। मैं गई, चली गई। चुप हो जाइए प्लीज। बताइए आप, वो गुस्से में है ना, इसलिए। बहुत दुखी है आजी, इसलिए प्लीज प्लीज बताइए। हर एक के दुख सहने का तरीका अलग अलग होता है ना। कोई रो लेता है, कोई रुलाता है, कोई नहीं, नहीं, नहीं नानी, समझ तो नहीं। गलती तो मेरी है, मेरी वजह से इस घर में हर कोई दुखी है। मैंने दुख पहुंचाया है सबको, लेकिन बस अब इस घर की खुशियों के लिए मैं कुछ भी करूंगी। शादी भी करूंगी। नहीं नहीं, अपनी मर्जी से कर रही हूँ नानी, सच में, सच अपनी मर्जी से मेरी शादी कर रही हूँ। सब सब ठीक हो जाएगा, आप देखना। नहीं, किसी ऐसे वैसे आदमी से शादी मत करना। तू हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है तुझे, कि तू जिंदगी भर पछताती रहे। आपके और आजी के एक एक आंसू मुझे बहुत भारी पड़ते हैं नानी। अब मैं और आप दोनों को रोने नहीं दूंगी। अब चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और ये केस वेस के बारे में भी आप मत सोचिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस अब रोना बंद कीजिए।